प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और स्वागत है आपका लॉजिक गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो है कारगिल दिवस के बारे में। हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इन 5 मिनट के अंदर, तो लास्ट तक वीडियो देखिए क्या क्या फैक्ट है कारगिल दिवस से जुड़े और आगामी आपका कारगिल दिवस आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कारगिल दिवस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और आपके लिए हमने एक ब्लॉग बनाया logicguru.org, एक बार जरूर विजिट करिए, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो कारगिल दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अंत तक वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक भी करिए। और वीडियो के अंत में हम आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर देने पर आपको हमारी ओर से स्पेशल प्राइज दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कारगिल दिवस के बारे में हम फैक्ट देखें तो सबसे पहले कारगिल दिवस को विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विजय दिवस या कारगिल दिवस एक ही बात होती है। कारगिल श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो 8 मई 1999 को हुई थी, ठीक है। कारगिल में घुसपैठ की सूचना वहां के स्थानीय गडरिये ने दी थी। गडरिये मतलब जो कि वहां पे ऊंट चराते रहे थे। इसके बाद आता है भारतीय सेना ने कारगिल के इस ऑपरेशन को कोऑपरेशन विजय को नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से दिया गया। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। इस युद्ध के दौरान भारत के लगभग 1300 से ज्यादा जवान घायल और 527 से अधिक जवान जो थे वीरगति को प्राप्त हुए। लगभग 2 लाख सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। अगला फैक्ट देखें तो यह युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में लड़ी गई जंग में शामिल है। रेड क्रॉस संस्था के मुताबिक इस युद्ध के दौरान 50,000 लोगों पर युद्ध का असर पड़ा। पाकिस्तानियों के कब्जे वाले इलाकों में करीब 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े और भारतीय इलाकों में करीब 20,000 लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े थे। अगला फैक्ट है इस युद्ध में तोपखानों से तकरीबन 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए थे। 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कारगिल दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कारगिल दिवस को और किस नाम से जाना जाता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और कारगिल दिवस की लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी और यहाँ कितने गोले दागे गए थे, दोनों के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी यूजर सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको हमारी ओर से प्राइज दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।